तो मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को हम लोग भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, दोनों मानते हैं। जो जितने बात मैंने शुरू में कहा, एज वन ऑफ द माइटीएस्ट मैसेंजर्स ऑफ गॉड, नबी मानते हैं, मसीह मानते हैं, कोढ़ी और अंधे को ठीक करते ये मानते हैं। लेकिन ये सारा जब मानते हैं, फ़र्क वहाँ पे आ जाता है जब आप एक सिंपल सा क्वेश्चन कीजिएगा, सवाल करते हैं, इज जीसस गॉड, क्या ईसा अल्लाह है? तो एक क्रिश्चियन बोलेगा यस, हाँ, एक मुस्लिम बोलेगा नो, नहीं। यही फ़र्क है दोनों में। लेकिन अगर आप कुरान पढ़िएगा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116-117, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा करेंगे और पूछेंगे, या ईसा, ए ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था टेक मी एंड माई मदर्स एट टू गॉड बिसाइड्स अल्लाह, कि मुझे अल्लाह बनाना, क्या तुमने लोगों से कहा था इस बात को? अब बोलो, लोग खड़े होंगे, ईसाई लोग खड़े होंगे और वो बोलेंगे कि क्या तुमने कहा था इन लोगों से, बताओ। अब ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं सुभानका, तू पाक है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या कहा था, अबुदुल्ला रब्बी व रब्बुकुम, मैंने तो कहा था इनसे कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। ये उनका स्टेटमेंट है। और इसी से मैं बोलता हूँ कि देर इज़ नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट इन द होल बाइबल वेर जीसस हिमसेल्फ सेज आई एम गॉड वेर ही हिमसेल्फ से वर्शिप मी, कि पूरे बाइबल में, ये पूरा बाइबल है आपका, इसमें एक भी लाइन नहीं है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे कि मैं अल्लाह हूँ, या वो खुद कह रहे कि मेरी इबादत करो, पूरे बाइबल में। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, आई चैलेंज, मैं जितने भी ईसाई से मिलता हूँ, मैं बाइबल सेंटर्स में विजिट करता हूँ, रांची के जितने बाइबल सेंटर्स हैं ऑलमोस्ट मैंने सभी में विजिट किया, बहुत सारे चर्च मैंने विजिट किया, और ये मेरा चैलेंज है कि कोई भी मुझे एक भी लाइन पूरे बाइबल में, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, पूरे बाइबल में एक भी लाइन नहीं दिखा पाएगा जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे कि मैं आई एम गॉड, मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं प्रभु हूँ, या वर्शिप मी, मेरी इबादत करो, ये दो लाइन। ऑन द कंट्ररी टू इट, उसके उल्टा अगर आप बाइबल पढ़िएगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, तो वो कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, आई कैन ऑन माय ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, एज अ हियर आई वर्क, जिस तरह सुनता हूँ वैसा फैसला करता हूँ, एंड माई जजमेंट इज जस्ट फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ द हू सेंट मी, तो मेरा फैसला सही है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, अल्लाह की इच्छा चाहता हूँ। और जो भी ये लाइन कहता है कि मैं अपनी रजा नहीं चाहता, अल्लाह की रजा चाहता हूँ, इसी का मतलब होता मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब होता अपनी रजा नहीं चाहना, अल्लाह की रजा चाहना। आप चाहते कुछ काम करना लेकिन अल्लाह नहीं चाहता, तो आप अल्लाह की रजा के सामने झुक जाए, इसी का मतलब होता है इस्लाम। तो उस वर्ड को क्योंकि वो अरबिक नहीं बोल रहे और बाइबल में इंग्लिश में ये लिखा हुआ, तो वो मुस्लिम नहीं बोल सकते, तो वो कह रहे मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता बल्कि उसका चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, और वो साफ साफ कह रहे हैं, अगर आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़िएगा चैप्टर नंबर 12 वर्स 28, विद द स्पिरिट ऑफ फादर आई कास्ट आउट डेमन्स, कि अल्लाह की मदद से मैं शैतानों को भगाता हूँ, विद द फिंगर ऑफ फादर आई कास्ट आउट डेमन्स, कि मैं अल्लाह की उंगली की मदद से शैतानों को भगाता हूँ, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 11 वर्स नंबर 20 में। और वो इतने हम्बल थे, इतने मतलब झुके हुए शख्स थे, कि एक आदमी आता है, अगर आप पढ़िएगा बाइबल, होली बाइबल, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उर्दू बाइबल लिखता है, मत्ती की इंजील, ये उर्दू बाइबल मत्ती की इंजील, हिंदी में भी वही मत्ती की सुषमाचार, उसमें लिखा हुआ चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 16-17 में, कि एंड बिहोल्ड वन केम एंड सेड टू हिम गुड मास्टर, एक शख्स आता उनके पास और कहता है गुड मास्टर, गुड, GOOD, गुड, अच्छे मास्टर, अच्छे शख्स, व्हाट गुड थिंग्स शैल आई डू टू हैव इटर्नल लाइफ, कि मुझको क्या अच्छा काम करना जिससे मैं जन्नत में जाऊँ। बट ही रिप्लाइड कि जीसस क्राइस्ट बोलते हैं वाई कॉलेज डॉ मी गुड, गुड इज़ नॉट मी बट वन दैट इज़ गॉड, तुमने मुझे गुड क्यों कहा, गुड मैं नहीं हूँ बल्कि एक शख्स है जो कि गॉड है। मतलब अपने आप को GOOD, गुड कहलाना पसंद नहीं कर रहे। जो शख्स अपने आप को गुड कहलाना पसंद नहीं करेगा, वो अपने आप को गॉड कहलाना कैसे पसंद करेगा, विथ अ सिंगल ओ गॉड। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।